डॉक्टर एन के महेंद्रू, प्रिंसिपल नाहन मेडिकल कॉलेज। आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमें पाँचवें बैच, अंतिम बैच MBBS की एडमिशन्स के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन से परमिशन मिल गई है, दैट इज़ कॉल्ड एज लेटर ऑफ परमिशन। ये पाँचवा साल जो होता है ये आखिरी बैच होता है हम लोग, इसकी वजह से हम नए बच्चों को दाखिल कर सकते हैं। हर साल हमारे 120 बच्चे दाखिल किए जाते हैं, जिसमें 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटे की होती है और 20 सीट्स होती हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की। इसमें उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाई है कि आपके पास कोविड फैसिलिटी टेस्ट करने की आपका लैब है, पर वो हमारे पास ऑलरेडी है, हम उसको जवाब दे देंगे। ये तो सब कोई नानवासी जानते हैं कि हमारे पास कोविड लैब है। इसकी इंस्पेक्शन हुई थी 22 सितंबर, जिसमें उन्होंने वो हमारे इंस्पेक्शन से संतुष्ट थे कि आपके कोई यहाँ पर कमी नहीं है, उसी की वजह से उन्होंने हमें लेटर ऑफ परमिशन इशू कर दिया। मुख्य तौर पे तो मेन जो चीज़ होती है वो होती है फैकल्टी प्लस रेजिडेंट्स, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स प्लस रेजिडेंट्स। जो रेजिडेंट्स मतलब वो होते हैं जो प्रशिक्षु डॉक्टर होते हैं, उनको देखते हैं, स्टाफ की पोजीशन देखते हैं, लेबॉर्टरीज की पोजीशन देखते हैं, लाइब्रेरी की पोजीशन देखते हैं, लेक्चर थिएटर्स की पोजीशन देखते हैं, और जैसे कि म्यूजियम्स होते हैं हमारी लेबॉर्टरीज की पोजीशन देखते हैं, और लैब्स की, जैसे इसमें स्पेशली आजकल के ज़माने में कोविड लैब्स जिसके पास नहीं है उसको परमिशन नहीं देते, स्पेशली फॉर द मेडिकल कॉलेजेस। और बाकी इसमें तो अनलिमिटेड है, अगर बताने लग जाऊँगा तो फिर आपको समझने में मुश्किल आएगी।